नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं एक हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वहाँ पे मैं आपको वो साइट के बारे में कुछ जानकारी दे दूँगा। उससे पहले हम उसका मैं आपको प्लान बताता हूँ एक स्क्रीन पे, वो प्लान आप समझ लीजिए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो उस साइट का प्लान है जिस पर हम विजिट करने वाले हैं। देखिए, उसका प्लॉट का साइज़ भी आपको क्लियर नज़र आएगा। ये 29 फीट 6 इंच है और 49 फीट 2 इंच है। और यहाँ से ये देखिए क्रॉस प्लॉट है, यहाँ पे पिछली साइड जो है वो 41 फीट 41 फीट है और ये साइड फिर ऐसी 50 फीट आता है। ठीक है, ये साइड में इसका एक रोड है और इस साइड में भी यहाँ पे एक रोड है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से इनके इस लिविंग रूम में, यहाँ पे देखिए ये कार पार्किंग के लिए हमने पोच रखा है यहाँ पे। और यहाँ से हम स्टार्ट करते, देखिए यहाँ से हमने स्टेयर्स रखी है, यहाँ से जाते हैं तो ये सीट आउट जो लिखा हुआ है, ये सीट आउट जो है वहाँ पे मेन डोर की यहाँ पे एंट्री होगी। और इधर हम स्टेयर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये स्टेयर्स के बताए हैं, यहाँ से स्टेयर केस की तरफ हम स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका एक डोर भी रखा है। ठीक है, सीट आउट यहाँ पे लिविंग रूम, यहाँ से मेन डोर से हम लिविंग रूम में एंट्री करते हैं। ये देखिए इस पर ड्राइंग हॉल लिखा है। इसका साइज़ जो है आपको क्लियर शायद नज़र नहीं आ रहा है, 12 फीट बाय 14 फीट 11 इंच का है लगभग, मतलब 12 फीट बाय 15 फीट के आसपास ये ड्राइंग हॉल है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें WC प्राइवेट बाथरूम, ये बाथरूम है। बाथरूम का साइज़ भी आप क्लियर से शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये 8 फीट बाय 4 फीट का है और WC का जो कॉमन साइज़ है 4 फीट बाय 3 फीट का है। यहाँ पे इसका डोर है, यहाँ पे इसका डोर है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने किचन रखा है। किचन का साइज़ भी आप क्लियर देख रहे हैं, 12 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का है, मतलब 12 बाय 13.5 फीट का है। और यहाँ पे एक विंडोज रखा है हमने, और यहाँ पे एक विंडोज रखा है किचन के लिए। और ये वॉश एरिया के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक डोर रखा है, यहाँ से हम वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम किचन से बाहर भी निकल सकते हैं लेडीज। ठीक है, तो किचन रूम के लिए यहाँ पे स्टोर रूम दिया है, स्टोर रूम का छोटा सा स्टोर रूम है, 7 फीट 8 इंच बाय 4 फीट का स्टोर रूम है। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे आने के बाद पीछे देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक बेडरूम दिया है। ये बेडरूम जो है इसको इसका साइज है 13 फीट 8 इंच बाय 11 फीट। ठीक है, 13 फुट 8 इंच बाय 11 फुट का है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ही ये दूसरा बेडरूम है, इसका साइज़ भी है 12 फीट बाय 11 फीट, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट का है। और इस बेडरूम के लिए हमने पीछे डोर रखा है और यहाँ पे विंडो दिया है। तो ये पूरी यहाँ पे जो है हमने पैसेज छोड़ा है, देखिए तो ये लगभग यहाँ पे 3 फीट का वाइड है और यहाँ पे 4 फीट 4.5 फीट 8 इंच के आसपास है। तो इस टाइप में, और यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे ज़्यादा जगह छुट्टी है और यहाँ पे जो है पूरा एंड होता है हमारा प्लॉट, तो यहाँ पे ही हमने ये कॉलम दिया है। तो इस टाइप में यह प्लान है, शायद आपको पसंद आया, आशा करता हूँ आपको यह प्लान पसंद आया। तो इसका एलिवेशन भी आपको फ्रंट एलिवेशन बताता हूँ। ये देखिए इसका ये फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया है। यहाँ से प्लान के हिसाब से देखिए, यहाँ से मेन डोर है और इस डोर में एंट्री करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये स्टेयर केस के लिए है, यहाँ से हम स्टेयर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे एंट्री, ये पोर्च पे एंट्री करते हैं। ये देखिए डोर है और यहाँ पे हमने पूरा ग्लास दिया है और ये किचन, ये डिज़ाइन से एलिवेशन है, ये कंपाउंड वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो विंडो दिख रही है, ये विंडो जो है वो किचन का विंडो है और यह इस साइड में भी एक किचन का विंडो है। ये जो दिख रहा है ये डोर आप देख रहे हैं, ये डोर जो है वो यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया था। और ये नीचे जो है यहाँ पे यूटिलिटी के लिए वरांडा बताया, ये जो विंडो है वो पीछे बेडरूम का है। और यहाँ पे जो है हमने ये गैलरी दी थी ऊपर। ठीक है, और ये कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन है, तो इस टाइप में ये एलिवेशन है। तो
एक्चुअल साइट में जाके हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये काम चल रहा है। तो चलते हैं साइट पे। तो देखिए यहाँ पे हम साइट पे पहुँच चुके हैं। ये जो दिख रही है, ये हमारी साइट है। इसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। शुरुआत मतलब लगभग एलिवेशन का पार्ट बाकी है। तो नीचे ये टावर का देखिए, अंदर प्लास्टर चालू है। ये जो दिख रहा है ये हमने टावर बनाया है। यहाँ पे स्टेयर्स के लिए ये टावर है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये पोर्च, ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो साइड से, यहाँ से हम रोड से आ रहे हैं, और ये दो दूसरी जो साइड है ये इस साइड, इधर भी एक रोड है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रोड है और एक कॉर्नर यहाँ से रोड है। आपको प्लान में पहले प्लान में बताया था, उसके हिसाब से ही है। और ये जो पार्किंग है देखिए, यहाँ पे ये पार्किंग का पोर्शन, ये जो है ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे ये डोर दिख रहा है, ये लिविंग रूम का है। और ये जो है ये स्टेयर्स के लिए ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और ये जो ये देखिए, ये गैलरी है, वो इलेवेशन में आपको बताई थी। और ये किचन का डोर्स, और एक विंडो है, और पीछे एक बेडरूम का विंडो है। तो इस टाइप में यह है। यहाँ पे देखिए यूटिलिटी के लिए वो पोर्शन रखा है, और इस टाइप में है, ठीक है। अभी ये मिस्त्री को थोड़ा सा समझा के बोलेंगे। उसके लिए लेवल, ये जो लेंटर लेवल है, लेंटर लेवल से नीचे 3 फीट उसको ले लेगा, और मार्किंग करके लेता है। मार्किंग करके लेता है क्या आप? उल्टा टेप पकड़ो ना, उल्टा 3 फुट वहाँ पकड़ो, नीचे छोड़ दो टेप। वहाँ पे अब वहाँ पे देखो, वो ध्यान में रखो, उसकी मार्किंग कर लो। 2 फुट 9 इंच। आप इधर से 1 फीट का पूरा पिलर आ जाएगा, और ये साइड से 1 फुट का वो बाहर भी निकलेगा, वो बाहर निकलेगा 4-4 का, चार चार इंच। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये खड़ी भी हाँ है, हाँ और ये जो है ये मतलब ये 3 इंच ये आ जाएगा, हाँ और ये जो है ये 4 इंच आ जाएगा, ये वाला, ये पूरा मतलब इससे ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, हाँ मतलब बाहर आएगा, इससे बाहर आ जाएगा, ये पूरा पट्टा बाहर बाहर आ जाएगा, और ये इस लेवल में आएगा। और ये जो है ये पूरा ये प्लास्टर में आ जाएगा, ये हाँ डबल कोट में, हाँ ऐसे जरा मार देने के हाँ बाकी 4 से यहाँ से 4 फुट तो है ही वो। हाँ ये 4 फुट है ना, नीचे का ऊपर का 5 फुट है अपना। नहीं सर अपना, हाँ नहीं सर, आप 4 फुट आ जाएंगे, सही हो। ये 1 फुट इधर ये लेवल कब में आ चालू जाएगा, कर रहे हैं इसका, ये ऊपर का कब चालू कर रहे हैं? ऊपर का बस आज टावर है तो समझो, कल परसों से चालू करेंगे। वो कैंटिलीवर कैंसिल हो गया क्या इधर का? 4 इंची मंडने से 5 इंच बने था तो जाता सर, वो प्लास्टर में 5 इंच हो जाएगा ना, वो फिनिशिंग के साथ 5 इंच है ना, 5 इंच का यार अपना 4 इंच बांध कम आ गया फिर। तो चलते हैं अंदर। तो ये इस टाइप में है, देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये जो होता है वरंडा, ये सिट आउट यहाँ पे, और यहाँ पे जो दूसरा, यहाँ पे कार पार्क हो जाएगी, ये कार पार्किंग के वास्ते है। और यहाँ से देखिए, ये लिविंग रूम का डोर्स है, और यहाँ पे उसके बाजू में ये जो डोर दिख रही है, यहाँ पे स्टेप्स ऊपर जा रही है, देखिए यहाँ पे वो उनका काम चालू होता है। और देखिए लिविंग रूम में हम जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पे ऑटो पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे ये विंडो जो दिख रहा है, हाँ ये किचन का विंडो है। और यहाँ से लिविंग रूम में आते हैं। लिविंग रूम में देखे तो ये विंडो है, एक विंडो जो इधर से हमने पीछे से एक जगह भी छोड़ी हुई है ये साइड से, इसलिए यहाँ पे एक विंडो रखा है। और यहाँ पे लिविंग रूम के बाद में आने, यहाँ से आने के बाद देखिए, यहाँ पे एक पैसेज है देखिए ये, और ये पैसेज जो है यहाँ पे एक डोर आता है, ये जो डोर है ये बेडरूम की तरफ जाता है, और ये जो डोर है ये किचन की तरफ आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये साइड में देखेंगे तो ये टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे ये देखिए बाथरूम है, ये बाथरूम का साइज प्लान में आपको बताया है, और बाथरूम के लिए यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिखा है, और ये WC है,
वाटर क्लोसेट, ये इसका साइज़ है, कॉमन साइज है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए ये वेंटिलेटर रखा है, तो ये इस टाइप में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये पैसेज है, यहाँ पे हम बेसिन, ये कॉर्नर में बेसिन भी लगा सकते हैं, या नहीं तो फिर इस ये वॉल को भी लगा सकते हैं, या ये वॉल को भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये स्लैब डाला है, ये जो स्लैब के ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज हो सकता है, कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। तो इस टाइप में अब चलते हैं किचन की तरफ। ये किचन का डोर है, और किचन से आपको बताया था, किचन के लिए बाहर के लिए ये यूटिलिटी के लिए ये डोर है, और यहाँ पे किचन के लिए हमने स्टोरेज भी बताया था आपको प्लान में, ये स्टोर रूम है। और ये देखिए, ये विंडो बाहर की तरफ है, पोर्च की तरफ, पार्किंग की तरफ, और ये जो विंडो है ये दूसरी रोड की तरफ है। यहाँ पे एक छज्जा रखा है, किचन वोटा जो है तो ऐसा, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ऐसा यल कॉर्नर में किचन वोटा बनेगा। तो ये इस टाइप में यह किचन है। और ये स्टोर रूम जो है, ये स्टोर रूम बता दो, ये जो स्टोर रूम का साइज़ तो आपको दिया था, ये देखिए ये स्टोर रूम है। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो रखी है हमने वेंटिलेटर, और ये स्टोर है। यहाँ पे बाहर जाते हैं तो ये यूटिलिटी के लिए यहाँ पे वो पोर्शन है, देखिए यहाँ से हम बाहर रोड की तरफ आते हैं, ये भी एक रोड है। तो इस टाइप में किचन है। अब किचन और उसके बाद में देखिए, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्लान में बताया था, ये जो है ये एक ऐसा खचका है, यहाँ पे एक इधर एक बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है ये एक बेडरूम है। तो पहले ये बेडरूम की तरफ जाते हैं, देखिए यहाँ ये जो बेडरूम है इसमें दो विंडो रखा है हमने, यहाँ पे एक और यहाँ पे, क्योंकि पीछे भी हमने जगह छोड़ी है और ये साइड में भी हमने जगह छोड़ी है, इसलिए हम यहाँ दोनों साइड में एक विंडो रखा है, ठीक है। तो ये एक रूम है, और दूसरा जो रूम है, चलिए दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। तो ये उसके बाजू में ही देखिए, यहाँ पे ये दूसरा रूम है, यहाँ पे एक डोर है, और इस डोर को मैंने प्लान में आपको बताया था कि पीछे भी एक, इस रूम को पीछे भी एक डोर है, ठीक है। ये बेडरूम है, तो इसमें हमने एक यहाँ पे एक विंडो रखा है, और यहाँ पे पीछे जाने के लिए एक डोर रखा है। ये देखिए यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, तो इधर हमने जगह छोड़ी हुई है, और आपको बोला था कि एक जनरल टॉयलेट बाथरूम एक अटैच दिया था बाहर की तरफ से। ये देखिए पीछे की तरफ से, उधर से हम आते हैं, देखिए ये साइड से हम आते हैं, तो इधर ये बाहर जो लिविंग रूम के जो भी मेहमान है, ये बाहर की बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरल टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया है, वो बाहर के लिए। तो ठीक है, तो इस टाइप में ये पूरा प्लान है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान समझ में आया है और आपको पसंद भी आया है। इसका एलिवेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको पूरा एलिवेशन होने के बाद कैसा दिखता है तो वो बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल पर आपको डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी मिलती है। तो अगर आपको यह प्लान पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इस प्लान से फ़ायदा हो जाए, या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको दी है उससे भी किसी को फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए, और यह वीडियो भी शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपके दोस्तों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और ऐसे ही प्रकार, ऐसे ही लगभग बहुत सारे वीडियो हम यहाँ पे लाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं, अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।